नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। आज मैं आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर आया हूं। आज का हमारा वीडियो है टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमे शोज पार्ट 3। ये वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन है, तो पिछले दोनों वीडियो भी आप जरूर देखिए क्योंकि उनमें एडेड एनिमे को वापस थर्ड पार्ट में ऐड नहीं किया है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ लॉन्ग रनिंग एनिमे शोज मैंने ऐड किए हैं क्योंकि शॉर्ट एनिमे हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। आपका बहुत ही कम टाइम लेते हुए बिना स्पॉयलर्स के सभी एनिमे की डिटेल्स आपको मिलेंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हमारे सभी वीडियोस की लिस्ट, सिनेमा न्यूज, फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है अ सर्टेन मैजिकल इंडेक्स। ये एक्शन कॉमेडी एनिमे सभी तरह के एनिमे लवर्स को पसंद आएगा क्योंकि इसमें डीमंस, हाई टेक्नोलॉजी, सुपर पावर्स सब कुछ देखने को मिलेगा। इस एनिमे की स्टोरी जापान की एक फिक्शनल सिटी में सेट है जहां टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। यहाँ रहने वाले ऑलमोस्ट सिटीजन स्टूडेंट्स हैं जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से अपनी साइकिक एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन्हें इंप्रूव कर रहे हैं। एनिमे की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जिसकी साइकिक रैंक 0 होती है, यानी वो इस हाईटेक सिटी के लिए कचरा है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो लीड कैरेक्टर की लाइफ को अलग डायरेक्शन देते हैं, अलग शेप देते हैं, और यहाँ से ये एनिमे और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। 74 एपिसोड्स वाले इस एनिमे को आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज में इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर है द वर्ल्ड गॉड ओनली नोज। ये रोमांटिक कॉमेडी एनिमे फैंटेसी और गेमिंग एनिमे लवर्स को बहुत पसंद आएगा। एनिमे की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो गेमिंग के पीछे पागल है। ऐसा कोई गेम नहीं है जो उसने ना जीता हो। स्टोरी में थ्रिलिंग टर्न तब आता है जब ये फेमस गेमर अनविटिंगली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अब एस्केप्ड स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए इसे एक डीमन को असिस्ट करना पड़ता है। दोस्तों इस डिफरेंट कंसेप्ट वाले एनिमे के 3 सीजन है और टोटल 36 एपिसोड्स इसमें आपको मिलेंगे। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए। नंबर 8 पर है रिबॉर्न। ये एक फैंटेसी एक्शन कॉमेडी एनिमे है। ये एक अननोटिस्ड अंडररेटेड एनिमे है, स्पेशली इंडियन एनिमे लवर्स के बीच ये इतना नोटिस्ड और पॉपुलर नहीं है। इसका मेन रीजन है इसके स्टार्टिंग के 10 एपिसोड्स जिनमें ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एनिमे की ऑल ओवर स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए ये जरूरी है। इस एनिमे की स्टोरी एक स्कूल स्टूडेंट को फॉलो करती है जो स्टडीज में बिल्कुल नोबिता की कॉपी है। एक दिन एक हिटमैन उसके पास आता है और इसे वंगोला फैमिली ने भेजा होता है लीड कैरेक्टर को ट्रेन करने के लिए। यहां से स्टोरी लीड कैरेक्टर की ट्रेनिंग और उसके आगे के एडवेंचर्स को फॉलो करती है। दोस्तों इस सीरीज में वंगोला फैमिली की जो हाइप क्रिएट की गई है वो आपको पूरा हिलाकर रख देगी। 2006 में शुरू हुए इस एनिमे के 9 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं। नंबर 7 पर है यू यू हकुशो। ये एक क्लासिक एनिमे है जो 90s के टाइम में शुरू हुआ था और अपनी यूनिक स्टोरी के कारण ये अब तक पॉपुलर है। इस एनिमे की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो एक यंग बॉय को बचाने की कोशिश में खुद कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब आफ्टर लाइफ में उसे अपनी लाइफ को वापस पाने के लिए कुछ टास्क कंप्लीट करने होते हैं। अब ये टास्क क्या होते हैं और लीड कैरेक्टर इन्हें कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, ये आप एनिमे देखकर पता लगाइए। ये एनिमे 4 सीजन के साथ इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है गिंतामा। ये एक एक्शन कॉमेडी एनिमे है। इसकी स्टोरी का ओवरव्यू दूं तो स्टोरी में एलियंस और ह्यूमंस की वॉर के बाद का टाइम दिखाया गया है जहां एलियंस का राज है और ह्यूमंस भी वहां रहते हैं। वॉर टाइम पर सभी समुराई मारे जा चुके हैं, सिर्फ एक समुराई जिंदा है और वो है एनिमे का लीड कैरेक्टर। दोस्तों इस एनिमे में कॉमेडी और सीरियस आर्क्स दोनों हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कॉमेडी पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। इसके 7 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं जिनमें 300+ एपिसोड्स आपको मिलेंगे। अगर आप एनिमे लाइन में बिगिनर हैं तो इस लॉन्ग रनिंग एनिमे को आप बाद के लिए बचा कर रखिए। पहले आप सारे इमेंसली पॉपुलर एनिमे देख लीजिए। ये एनिमे सिर्फ ओरिजिनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसे आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर है डी ग्रे मैन। ये एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एनिमे की स्टोरी एक डिमोनिक ग्रुप को फॉलो करती है जो डेड पीपल की सोल को एक वेपन में ऐड करके पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इस पावरफुल वेपन को भी हराया जा सकता है और ये कैसे हो सकता है, ये आप एनिमे देखकर पता लगाइए। ये एनिमे 2006 में शुरू हुआ था और 2008 में 4 सीजन और टोटल 103 एपिसोड्स के साथ ये खत्म हुआ था। 2016 में इसका 5th सीजन आया। इसके 5th सीजन को स्टैंड अलोन माना जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पिछले सीजन से थोड़ा कनेक्टेड है, तो आप इस एनिमे के 5वें सीजन सीक्वेंस में देखिएगा। इस एनिमे को आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। किलर एनिमे एसएम यूट्यूब चैनल पर इसके 4 सीजन इंग्लिश में अवेलेबल हैं। नंबर 4 पर है डिटेक्टिव कोनन। ये एक स्पाई थ्रिलर एनिमे है जिसे केस क्लोज्ड नाम से भी जाना जाता है। इस एनिमेटेड सीरीज के साथ ही इसकी मांगा भी काफी पॉपुलर है। इसकी मांगा सीरीज वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट सेलिंग मांगा है। इस मांगा अडेप्टेड एनिमे के 29 सीजन आ चुके हैं जिसमें 900+ एपिसोड्स हैं। इस एनिमे की इंटरेस्टिंग स्टोरी एक डिटेक्टिव के एडवेंचर्स को फॉलो करती है जिसे केमिकली एक टीनेजर बना दिया गया है। दोस्तों इस एनिमे की स्टोरी के साथ इसका ओपनिंग थीम सॉन्ग भी बहुत अट्रैक्टिव है। ये सिर्फ जापानीज लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसे आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
सकते हैं, ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर अवेलेबल है, डिटेल्स के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए। नंबर 3 पर है द 7 डेडली सिंस, ये एक पीरियोडिक हिस्ट्री ड्रामा एनीमे है, ये एक शोनन टाइप एनीमे है इसीलिए इसमें बहुत सारे फाइटिंग सीन्स आपको मिलेंगे। इस एनीमे की स्टोरी एक प्रिंसेस के एडवेंचर्स को फॉलो करती है जो 7 डेडली नाइट्स को ढूंढने निकलती है ताकि वो अपने किंगडम को फॉल्स रूल से बचा सके। दोस्तों इस एनीमे का बेस्ट पार्ट है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें लीड कैरेक्टर्स के अलावा भी सभी कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। ये इंटरेस्टिंग एनीमे 4 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है साइकोपास, ये एक साइबरपंक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे है, ये एक बेस्ट से भी बेस्ट एनीमे है जिसमें एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी और एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी दिखाई गई है। इसकी फास्ट रनिंग स्टोरी इतनी अट्रैक्टिव है कि एपिसोड्स कब स्टार्ट होकर खत्म हो जाएंगे आपको फील नहीं होगा। इस एनीमे की स्टोरी 22nd सेंचुरी में सेट है जहां टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी से ही एक सिविल सिस्टम बनाया गया है जिसमें हर सिटीजन का थ्रेट लेवल चेक किया जा सकता है। एनीमे की स्टोरी एक पुलिस वूमन को फॉलो करती है जो सिविल सिस्टम को ऑबे करती है, इस पर ट्रस्ट करती है, लेकिन स्टोरी में थ्रिलिंग टर्न तब आता है जब इस पुलिस वूमन का सामना ऐसे मास्टरमाइंड क्रिमिनल से होता है जो परफेक्ट सिस्टम को भी धोखा दे सकता है। दोस्तों इस एनीमे के विलन का कैरेक्टर बहुत कमाल का है और एनीमे देखने के बाद ये आपका फेवरेट विलन कैरेक्टर बन जाएगा। इस एनीमे के 3 सीजन हैं जिनमें से 2 सीजन नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल हैं। नंबर 1 पर है हजीमे नो इप्पो, ये एक एक्शन कॉमेडी एनीमे है जिसका इंग्लिश टाइटल है फाइटिंग स्पिरिट। ये एनीमे ईयर 2000 में एयर होना शुरू हुआ था लेकिन अपनी रियलिस्टिक और मोटिवेटिंग स्टोरी के कारण ये आज भी काफी पॉपुलर है। इस एनीमे की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो अपने फादर की डेथ के बाद अपनी मदर के साथ फैमिली बिजनेस चलाता है। उसके पुअर और इंट्रोवर्ट होने के कारण स्कूल में उसे बुली किया जाता है, लेकिन एक दिन एक फाइटिंग इंसिडेंट उसकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देता है और यहां से लीड कैरेक्टर की चैलेंजिंग जर्नी शुरू होती है। दोस्तों इस एनीमे के 3 सीजन है जिनमें टोटल 127 एपिसोड्स आपको मिलेंगे। ये इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अनऑफिशियल सोर्सेज पर अवेलेबल है, डिटेल्स के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए। दोस्तों ये था वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एनीमे शोज पार्ट 3। इनमें से कौन सा एनीमे आपका फेवरेट है और नेक्स्ट पार्ट में कौन से एनीमे ऐड करने चाहिए, इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके इसे और भी एनीमे लवर्स तक पहुंचाइए। एनीमे की बेस्ट चॉइसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।